पूरा सिल्कग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उदयपुर का जो सिल्कग्राम है उसको आप मेरे वीडियो में इसमें देख सकते हैं। अगर इस प्रकार के वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं दोस्तों लगातार, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें किस प्रकार के, आपको किस प्रकार के वीडियो देखना है, तो वो वीडियो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिल्कग्राम के अंदर इस प्रकार का उत्सव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गाने हैं ये प्रारंभिक तौर पर गाने गा रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको उत्सव सिल्कग्राम के अंदर देखने को मिलेगा। पूरा परिदृश्य ये सिल्कग्राम का है दोस्तों, और यहाँ पर जो पुरानी गाड़ी है जो लकड़ी की बनी हुई है वो भी रखी हुई है ये इस प्रकार से, और यहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है। तो पूरा जो परिदृश्य ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पर जो खजूर की झोंपड़ियाँ हैं, इसके अलावा केवलों के मकान हैं, वो सभी तरह से यहाँ पर पुराने सिस्टम में सभी बने हुए हैं। तो ये सिल्कग्राम उत्सव का मेला इसी में लगता है। और दोस्तों पूरा सिल्कग्राम उत्सव का मेला लगता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, इन झोंपड़ियों में पूरा मेला लगता है। प्रतिवर्ष सिल्कग्राम उत्सव जो मनाया जाता है तो यहाँ पर काफ़ी उस समय दर्शक काफ़ी आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी यात्री भी आते हैं और विदेशी पर्यटक भी काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। तो पूरा जो पौराणिक तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया है, और यहाँ पर काफ़ी जो सिल्कग्राम उत्सव के अंदर काफ़ी देखने को आपको मिलेगा पौराणिक का संग्रहालय है। जितनी भी प्रकार की कठपुतलियाँ पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में जिस प्रकार से चलती हैं, तो यहाँ पर पूरा संग्रहालय बना हुआ है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। ये पूरा कठपुतलियों का संग्रहालय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार से घोड़े हाथी सभी प्रकार की जो कठपुतलियाँ हैं, कठपुतली नृत्य पहले पुराने ज़माने में काफ़ी लोकप्रिय था। ये लोकप्रिय नृत्य के लिए यहाँ पर जो संग्रहालय बनाया गया है, ये इस प्रकार से ये पूरा संग्रहालय में आपको दिखाता हूँ। नहीं जस्ट कला निवास, यानी कि कला का जो निवास है, इस प्रकार से यहाँ पर कलाकृति की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मांडपे जो पुराने ज़माने में महिलाएं जो बनाती थी, वो सारे मांडपे यहाँ बना रखे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर कलाकृति की गई है पौराणिक रूप से, और हर जगह से इस प्रकार को आपको सिल्कग्राम के अंदर देखने को मिलेगा। पौराणिक परिवेश के अनुसार यहाँ पर जो सारा दृश्य फिल्माया गया है, ये सारा परिदृश्य आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पूरा सिल्कग्राम ग्रामीण परिवेश में बना हुआ, ग्रामीण जितना भी परिवेश है हिंदुस्तान का किस प्रकार से है, वो उस प्रकार से यहाँ पर कलाकृति भी की गई है, और यहाँ पर कठपुतली संग्रहालय भी है। तो देखते हैं, चलो चलते हैं आगे की तरफ, कठपुतली संग्रहालय अंदर ले चलता हूँ मैं आपको दोस्तों। सिल्कग्राम के अंदर जितनी भी प्रकार की झोपड़ियाँ हैं उसका वर्णन पूरा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और कला निवास, कला कुंज, कला विहार, दर्पण सभाकार, पिथौरा गुजरात, ये सारा इस पर विवरण लिखा हुआ है। पर एक गजानन जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है, और बाहर जो है
वो ढोल नगाड़ों के साथ लेजम लिए हुए गजानन जी की सवारी निकाल रहे हैं। बाकी का जो ये परिदृश्य है ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ये मिट्टी के बने हुए पात्र हैं और ये शिल्पग्राम की जो मूर्त है यहाँ लगी हुई है, तो ये पूरा वाद्य यंत्र पौराणिक और सभी सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उत्तरकाशी रंगमंच बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा रंगमंच है और इसके ऊपर विभिन्न प्रोग्राम कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर पूरा मिट्टी का लेप से लिपा हुआ है और पूरी तरफ से मिट्टी से ही पीछे भी बना रखा है। तो यहाँ पर जो बैठने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं और दर्शकों के लिए स्टेडियम टाइप की पूरा यहाँ बना रखा है दोस्तों शिल्पग्राम उत्सव के अंदर। ग्राम के अंदर पूरी ग्रामीण परिवेश है कि जिस टाइप से बना हुआ है ये, यहाँ पर जो ग्रामीण महिला पहले लिपती थी वैसा लीप रखा है और यहाँ पर टॉयलेट भी पुराने तरीके से बने हुए हैं। सारे शिल्पग्राम के अंदर आप देख सकते हो जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं, ये लाइटें चलती हैं। इसके अलावा जो ये यहाँ पर शिल्पग्राम उत्सव में जो भी पौराणिक जो कोटी संग्रहालय हैं जहाँ पर राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र गोवा राज्य के ग्रामीण अंचलों से अनाज सुरक्षित रखने के लिए जो काम में लिया जाता था वो सारी कोटियाँ यहाँ पर रखी हैं। ये देख सकते हैं आप ये पूरी इस प्रकार से इन कोटियों में अनाज पहले सुरक्षित रखते थे। आजकल तो क्या पता क्या नहीं होने लगा है, लेकिन इस प्रकार से ये कांच की भी बनी हुई हैं, बहुत शानदार कोटियाँ हैं यहाँ पर जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती थी। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भगवान की तस्वीर भी हैं और ये कोटियाँ पूरी मिट्टी से बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप मेला भी लगता है, मेले के समय में काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो ये आपके देखने लायक एक स्थान भी है, यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से मकान हैं उस प्रकार से यहाँ पर मकान बने हुए हैं और पौराणिक रीति रिवाज को पूरी तरह से जीवित रखने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर शिल्पग्राम का मेला लगता है। और शिल्पग्राम पूरा एक अलग ही जो एरिया है इसका, यहाँ पर 55 रुपये टिकट है और आप अंदर आके देख सकते हैं। तो ये था उदयपुर का जो शिल्पग्राम है, वो पूरा जो परिसर बना हुआ है उसका मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की गई है। और पूरे ही जो है पौराणिक तरीके से बना हुआ है, पूरा ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पर आपको पौराणिक रूप से सारे ही गीत संगीत हर तरीके से आपको यहाँ पर जो अन्य जो चीज़ें हैं जो भी पौराणिक आइटम हैं आप खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको ये प्रवेश द्वार हैं, यहाँ से गेट से एंट्री होती है, टिकट है इसके लिए 55 रुपये। और अगर कैमरा और अन्य चीज़ आप कुछ साथ में ले जाना चाहते हैं तो उसका खर्चा अलग से, उसका अलग से टिकट है। जगह जगह इसमें लालटेन यहाँ पर लगी हुई हैं और पूरा ये शिल्पग्राम के लिए आपको देखने के लिए यहाँ पर पूरा टिकट देना होगा। और दिसंबर में ही दोस्तों यहाँ पर मेला बहुत ही अच्छा शानदार मेला लगता है। अंदर दोस्तों टॉयलेट की व्यवस्था बताऊँ तो ये टॉयलेट की व्यवस्था है, ये महिलाओं के लिए टॉयलेट बना हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, जिसके ऊपर केवेलू है। और पुरुष के लिए भी ये इस प्रकार से टॉयलेट बना हुआ है, इसके ऊपर पूरी मिट्टी से लेप लगाया हुआ है, ये मिट्टी के बना हुआ इस तरीके से टॉयलेट है। दृश्य देखेंगे दोस्तों ये पूरा पौराणिक रूप से बना हुआ है शिल्पग्राम जिसको बोलते हैं, ये पूरा पौराणिक तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर मंदिर है भगवान का। ग्राम के अंदर इस प्रकार से ये कच्चे मकान बने हुए हैं। अगर टॉयलेट देखेंगे तो आप पुरुष टॉयलेट ये हैं और पुरानी तरीके से बना हुआ है, महिला लेडीज़ टॉयलेट भी इस प्रकार से बना हुआ है। और मकान देखेंगे तो ये आप पूरे कच्चे केलू के मकान हैं, इस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में ये शिल्पग्राम में इस प्रकार से ये मकान बने हुए हैं। दिसंबर में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेला शिल्पग्राम उत्सव लगता है, काफ़ी पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार से कच्चे मकान ये यहाँ पर भी बना हुआ है, अंदर ले चलूँ आप। इंद्र जो विमान है उसको रखा गया है, इंद्र रथ जो झालावाड़ का है तो झालावाड़ से यहाँ पर दिया गया हुआ है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भजन मंडली चल रही है, जो भजन मंडली करते हैं दोस्तों
तो बाबा रामदेव के भजन ये गा रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी में इंद्र रथ रखा हुआ है। दोस्तों तो मैं ये जो स्वागत कक्ष है बना हुआ है बिल्कुल अंग्रेजी केलू के अंदर, और ये जो अन्य केलू लगे हुए हैं ये इस प्रकार से यहाँ मकान बने हुए हैं पूरी तरीके से, और पूरे पेड़ पौधे वगैरह अंदर ऊँट भी हैं अंदर। यहाँ पर साज धाज के लिए जो ग्रामीण परिवेश की जो यहाँ पर सितार वितार वगैरह ये भी गिटार्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं दोस्तों। तो ये शिल्पग्राम का पूरा जो मैं दृश्य है आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर से। दोस्तों तो मैं ये जो स्वागत कक्ष है बना हुआ है बिल्कुल अंग्रेजी केलू के अंदर, और ये जो अन्य केलू लगे हुए हैं ये इस प्रकार से यहाँ मकान बने हुए हैं पूरी तरीके से, और पूरे पेड़ पौधे वगैरह अंदर ऊँट भी हैं अंदर। यहाँ पर साज धाज के लिए जो ग्रामीण परिवेश की जो यहाँ पर सितार वितार वगैरह ये भी गिटार्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं दोस्तों। तो ये शिल्पग्राम का पूरा जो मैं दृश्य है आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर से।